सो है गाइस, वेलकम बैक टू अगेन, फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आ चुके हैं। तो जैसे राजगीर में हम लोग एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं, तो आज डे टू में निकले हुए हैं एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहद खूबसूरत नज़ारा वाला टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस। तो हम लोग फिलहाल जाने वाले हैं गाइस राजगीर गंगा जी जलाशय, और इसको गिरियक डैम भी बोला जाता है। बेहद ही अल्टीमेट, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा आप लोग को गाइस एकदम दिखाने वाले हैं। तो चलिए, और ये हाल ही में बनकर तैयार हुआ है, अभी एक डेढ़ साल पहले शायद उद्घाटन हुआ है, तो वहाँ का आप लोग को व्यूज दिखाते हैं। तो अभी देखिए बाइक पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो चलते हैं उसी रास्ता से होकर गुजर के, फिर आप लोग को गाइस लेकर चलते हैं डैम पे। चलिए, तो दोस्तों निकल चुके हैं गिरियक डैम की ओर, और ये देख सकते हैं इस प्रकार का रास्ता से होके गुजरेंगे। और रोड देखिए, पहले रोड इतना यहाँ का डेवलप नहीं था, लेकिन अब पूरी तरह से डेवलपमेंट हो चुका है। दो साल पहले वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे चल रहा था, और अब यहाँ पे पूरी तरह से बदलाव हो चुका है। और भाई वहाँ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है और देखने लायक है, और वहाँ पे वाटर रिसोर्सेस ऑब्जर्व होता है, उसके बारे में फुल डिटेल वहाँ पे चल के आप लोग को बताएंगे उसका क्या यहाँ पे काम है ये डैम का, और कितना यूज़फुल है राजगीर के लिए ये डैम। तो आप लोग फिलहाल ये सब नज़ारे देखिए गाइस, कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है। सो यहाँ से देख सकते हैं, ये रास्ता से आगे बढ़ के हम लोग को मुड़ना होगा, तो हम लोग यहाँ पे राइट साइड में मुड़ते हैं, और कुछ इस प्रकार का यहाँ पे रास्ता देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए गाइस पहाड़, कितना मस्त यहाँ पे पहाड़ है जो। तो चलते हैं डैम की ओर, ये तेजी चलाते हैं। राजगीर की पहाड़ियाँ चारों तरफ से घिरे हुए, और उसी के बीच नए नए खूबसूरत प्लेस दिखाते रहेंगे ओनली ऑन क्रेजी ट्रैवल। मस्त यहाँ का नज़ारा लग रहा है जो, देखिए एकदम लग रहा कितना, ये साइड में पानी है वहाँ पे सब लोग नहा भी रहे हैं, और इसी रास्ते से होके जाएंगे डैम। आप लोग व्यू देखिए भाई, व्यू देखिए गाइस, ये सब व्यू देखिए, कितना नज़ारा कितना सुंदर है जो। हाँ जी, पहुँच चुके हैं, देखिए एकदम बिहार का एक बेहतरीन नज़ारा से आप लोग को दिखाते हैं। और ये जैसे बताते हैं यही है राजगीर गंगा जी जलाशय, इसको गिरियक डैम यहाँ पे बोला जाता है। और ये बताइए लुक, पहले बताइए एक बार कमेंट करके कि लुक कैसा है, लुक थोड़ा सा चेंज कर लिया। और ये जो डैम देख रहे हैं, और पीछे जो ये लेक है, ये लेक असल में देख सकते हैं कितना बेहतरीन यहाँ पे नज़ारा लग रहा है, ब्लू ब्लू कलर का यहाँ पे नज़ारा आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। हालांकि ये लेक नहीं है, ये वाटर रिसोर्सेस है, मोकामा से ये वाटर को यहाँ पर रिजर्व किया गया है, और वहाँ पर देख सकते हैं वाटर वहाँ पे है लगा हुआ, और वो वाटर पंपिंग थ्रू है, उसी की ये मशीन लगा हुआ है, उसी के थ्रू वाटर गंगा जी का पानी यहाँ पे अब्जॉर्ब किया गया, ताकि राजगीर के लोगों तक इसका पानी पीने के लिए वहाँ पे पहुँचाया जाए। ये एक बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल किया गया है, ताकि हर जगह पे ये राजगीर का, जैसे मोकामा में भी है एक टेकरा डैम है, वहाँ पर भी इसका पानी जाता है, वहाँ से भी इसका पानी ऑब्जॉर्ब होकर यहाँ पर आता है। तो बेहद ही खूबसूरत, बहुत ही अल्टीमेट ये नज़ारा आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और इसका पहले भी एक बार हम आए थे यहाँ पे, जब वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा था कुछ समय पहले, हालांकि रोड उस टाइम नहीं डेवलप था, बट अब पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। जैसे कि बताए थे कि बहुत ही अच्छा ये टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस यहाँ पे बनने वाला था, और हालांकि अब बन चुका है, बहुत ही लोग आते हैं। हालांकि अभी हम लोग मॉर्निंग के टाइम पे आते हैं तो कम लोग रहेंगे, ऑफ सीजन में भी आते हैं तो कम लोग रहेंगे, अगर सीजन में आप लोग आते हैं तो गाइस बहुत सारे यहाँ पे भीड़ लगा रहेगा। और व्यूज़ तो आप देखिए कितना अल्टीमेट व्यूज़ है यहाँ का, आप लोग नज़ारा देख सकते हैं, वो है पहाड़, और उसी पहाड़ के वो साइड में घोरा कटोरा झील है, जिसका ब्लॉग ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। तो आप लोग गाइस आइए यहाँ पे, इंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ आइए, फ्रेंड के साथ आइए, और नज़ारे इंजॉय कीजिए। Tonight
सो गाइज हम तो घूम ही रहे हैं और साथ में जो दोस्त को लेके आए उससे भी पूछते हैं कि मतलब कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ये ट्रिप पे आने पे कितना मजा आ रहा है इस जगह को देख के। तो भाई बताओ मतलब कैसा लग रहा है यहाँ पे इस नज़ारे को। सो गाइज यहाँ पर मतलब बता नहीं सकते हैं यार, बिहार में ये ऐसा लोकेशन भी आ सकता है, इतना अच्छा लोकेशन है कि हम क्या बताएं, मतलब वंडरफुल लोकेशन देखने लायक। दिखाइए लोगों को क्या क्या लोकेशन है यहाँ पर यार। तो भाई इसका कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा लोकेशन है, इसको मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसे तरह तरह का भी लोकेशन देखने के लिए मिल सकता है बिहार में। तो यही है राजगीर गंगा जी जलाशय का लोकेशन और आप लोग देख ही सकते हैं कितना अल्टीमेट व्यूज है, और ये सही में वाकई में बिहार का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये लोकेशन है। तो आप लोग भी गाइज एक बार ज़रूर इस लोकेशन को विजिट कीजिए। इस साइड का व्यू देखिए, इस साइड में हरा हरा जो गार्डन है यहाँ पे रेगुलर डेवलप होते रहता है, और ये साइड का भी देख सकते हैं कितना मस्त यहाँ पे नज़ारा लगने वाला है। और अगर आप लोग उब चुके हैं घोरा कटोरा घूम के या और भी राजगीर का बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस घूम के उब चुके हैं तो आप लोग यहाँ पे आइए। इसका उद्घाटन हो चुका है, 1.5 साल 2 साल के तकरीबन इसका उद्घाटन अच्छे तरह से हो गया है हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। ये डैम का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है और ये वाटर रिसोर्सेज भी जैसे कि बताया कि यहाँ पे पानी ऑब्जर्व होता है और यहाँ पे राजगीर के लोगों तक इसका पानी पहुँचाया जाता है। तो आप लोग आइए अगर उब चुके हैं और राजगीर के जगह घूम के, तो ये न्यू प्लेसेस को भी एक बार ज़रूर विजिट करिए और यहाँ पे आके गाइस एंजॉय कीजिए। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं बिहार का, देख सकते हैं जन्नत जैसा एकदम व्यूज और नज़ारे, ये कहीं और का नहीं बल्कि बिहार का नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए गाइस आप लोग भी एंजॉय कीजिए और नज़ारे का आनंद लीजिए। ये देख सकते हैं सामने का आप लोग व्यूज, बेहद ही अल्टीमेट नज़ारा। I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. फाइनली गाइज देख सकते हैं डैम के एकदम इस साइड में आ चुके हैं और ये साइड का नज़ारा देखिए। हम लोग वो साइड में थे, वहाँ से पूरा गोल घूम के 2 किलोमीटर का सफ़र तय करके डैम के एकदम इस कोना पे पहुँच चुके हैं और ये आप लोग नज़ारे देख सकते हैं। और बहुत ही यहाँ पे ठंडा ठंडा हवा, आप लोग एक बार ज़रूर यहाँ पे आइए, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शांति है, बहुत ही खुला वातावरण में ये सीन देख सकते हैं कितना ये साइड का नज़ारा है। तो गाइज अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं दूसरे लोकेशन के लिए। तो बाय बाय गाइज़।